हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसलीन के बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से हैक्स। इन टिप्स को आप डेली फॉलो करोगे अपनी डेली टू डेली लाइफ में अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं सभी वीडियोज़ जब भी डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है सिंदूर से रिलेटेड। अक्सर क्या होता है, जब भी आप पाउडर सिंदूर लगाते हो तो पाउडर सिंदूर आपकी स्कैल्प में लंबे समय तक टिक नहीं पाता है और इधर उधर आपके बालों में और आपके फोरहेड पर लग जाता है, देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और दूसरा ड्रॉबैक ये होता है पाउडर सिंदूर के साथ कि बहुत सारे लोगों को इस एरिया में गंजेपन की, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं वैसलीन की हेल्प से? तो आप क्या करिए, जब भी आपको सिंदूर लगाना हो, ठीक है, जैसे आपको जब भी अपना सिंदूर लगाना है तो फिर आप क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी मांग में रिंग फिंगर की हेल्प से या फिर आप क्यू टिप ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वैसलीन लगा देना है। इसके बाद आप अपना सिंदूर लगाइए। इससे क्या होगा कि एक तो सिंदूर आपका लंबे समय तक टिकेगा और दूसरी बात सिंदूर में जो भी केमिकल्स होते हैं वो आपके स्कैल्प को हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने वैसलीन लगा दी है तो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर तैयार हो जाती है। वैसलीन को लेके वो ये है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी अंगूठी है या फिर आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और ये प्रॉपर तरीके से आपके हाथ में जा नहीं पाती, या फिर आप ज़बरदस्ती इसको डालने की कोशिश करते हो तो आपकी जो स्किन होती है वो भी स्क्रैच हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको लेना है ये वैसलीन और थोड़ा सा वैसलीन आप अपनी रिंग्स में लगा लीजिए, अपनी फिंगर्स में आप लगाओ, आप अपने रिस्ट में लगा लीजिए, कलाइयों में। इसके बाद जब आप अपनी चूड़ियाँ या फिर रिंग पहनेंगे तो बहुत ही स्मूथली ये चली जाएगी, क्योंकि कभी कभी ड्राइनेस की वजह से या फिर कभी कभी वेट जब हमारा थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी। तो वैसलीन आप थोड़ा सा लगा लोगे, इसके बाद जब आप कुछ भी पहनोगे तो ये स्मूथली चला जाएगा और आपकी स्किन को हर्ट भी नहीं करेगा। आज का जो थर्ड टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अक्सर हमारे हाथों से अजीब से स्मेल आती है खाना बनाने के बाद या फिर खाना खाने के बाद, और हम चाहते हैं हमारे हाथ हमेशा अच्छे से महके। तो फिर हमको क्या करना है, हमको लेना है वैसलीन। जो भी हमारी वैसलीन है पुरानी पड़ी हुई है, आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना फेवरेट जो भी डीओ है वो आपको इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर देना है और इसके बाद आप किसी चीज़ से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस वैसलीन को जब आपने मिक्स कर दिया है तो फिर आप इसे अपनी रिस्ट में लगा सकते हैं, आप अपने नेक एरिया में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने हाथों में लगा सकते हैं। आपके हाथों में बहुत अच्छी वाली खुशबू आ जाएगी और एक तो लंबे समय तक टिका रहेगा, बहुत देर तक आपका जो हैंड होगा वो महकेगा और इसलिए थोड़ी सी जगह लेता है तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आप आराम से इसे अपने हैंड बैग में, अपने वॉलेट में लेकर जा सकते हैं। जो फोर्थ हैक है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बाल बहुत जल्दी उलझने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने बाल को खोलते हैं और थोड़ी देर के बाद आपके बाल फिर से बिल्कुल उलझने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे से हेयर्स, बेबी हेयर्स की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती ही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और आपको अपने हाथों में इस तरह से अप्लाई कर लेना है और उसके बाद जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके बाल नीचे से ड्राई हैं, पूरे हेयर्स में नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे के हेयर्स में, वहाँ पर इस वैसलीन को आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इस तरह से जब आप इसको लगा लोगे और अपने बेबी हेयर्स को भी इस तरह से छुपा सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि छोटे छोटे से आपके बाल निकले हुए हैं, नहीं देखने में अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो बाल होंगे वो लंबे समय तक बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे, फ्रीजनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और लंबे समय तक आपके बाल उलझेंगे ही नहीं। आप एक बार इसको करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। का जो लास्ट और फिफ्थ हैक है और जो कि सबसे मेरा फेवरेट हैक है वो ये है कि अक्सर हम शादी पार्टी में जाते हैं, फेस पर ढेर सारा मेकअप तो कर लेते हैं लेकिन हमारे हाथ पैर, हमारी स्किन, हाथों की, पैरों की, हमारा बैकलेस, क्योंकि बैकलेस का ज़माना है, वहाँ की स्किन बिल्कुल भी ग्लो नहीं करती है। तो फिर आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही फटाफट से बनने वाला ये हैक है। आपको थोड़ा सा वैसलीन चाहिए अपने हाथों में और उसके बाद आपके पास जो भी हाईलाइटर हो, चाहे वो केक वाले हाईलाइटर्स हो या फिर आपके पास पाउडर, क्रीम हाईलाइटर, कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा इसे अपने हाथ में लेना है और आप अपने वैसलीन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद आपको जहाँ भी चाहिए कि आपके हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी आपको ग्लो चाहिए, वहाँ पर आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं। इंस्टेंट आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी वहाँ की, और पता नहीं मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं, लेकिन आप ग्लो देख सकते हैं। तो रियली बहुत अच्छा सा ग्लो आता है फटाफट से। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में कोई क्वेरी, सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।